आज पूरे 3 महीनों के बाद मेरा जिगर का टुकड़ा मेरी बेटी घर आ रही है मुझसे मिलने के लिए। मुझे कितना इंतज़ार था समर वेकेशन का कि बच्चों की समर वेकेशन की छुट्टियाँ आएंगी तो बेटी मुझसे मिलने के लिए आएगी, और आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मेरी बेटी मेरे घर आ रही है। जब मेरी बेटी घर आती है रौनक ही अलग होती है। ये रीत किसने बनाई है बेटी को ब्याहने की? हम अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते, बड़ा करते हैं और बड़ा होने के बाद किसी और के हाथ में दे देते हैं। जब भी मेरी बेटी के घर आने का होता है दोनों भाइयों का मुंह बन जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी पत्नियों को पसंद नहीं है कि मेरी बेटी घर आए, लेकिन जब तक उसका बाप जिंदा है मेरी बेटी घर आएगी, ज़रूर आएगी। मेरी बेटी कितनी प्यारी, कितनी मासूम है, किसी के मामले में नहीं बोलती, फिर भी भाइयों को बर्दाश्त नहीं होती। जब बच्चे छोटे होते हैं उनका बचपन होता है, आपस में बहन भाई कितना लड़ते हैं पर थोड़ी देर बाद मान जाते हैं, एक साथ खेलना शुरू कर देते हैं। बड़े होने के बाद लड़ाई झगड़े कितने डीप में चले जाते हैं, सालों साल आपस में बातें नहीं करते। मेरे दोनों बेटे ये भी नहीं सोचते क्योंकि अकलौती बहन है, आ जाएगी, लाड प्यार जता देंगे तो क्या चला जाएगा, उसका थोड़ा दिल बड़ा हो जाएगा। लेकिन दोनों के दोनों निकम्मे बेटे अपनी पत्नियों से डरते कितने हैं, जो उनके गुलाम बन के रह गए जब से इनकी शादी हुई है। मैंने विवेक से कहा जाके अपनी बहन नीलम को लिया तो साफ मना कर दिया, खुद आएगी। ये तक नहीं सोचते बहन कितने महीनों की बात आ रही है, जाके देखूं विवेक का बच्चा कर क्या रहा है। कहता हूं शायद चला जाए मेरी बात सुनकर उसको लेने के लिए। विवेक बेटा तू जानता है ना कि आज नीलम आ रही है, जाके उसको ले आ, स्टेशन में इंतजार कर रही होगी। अच्छा लगता है बहन 3 महीनों के बाद घर आ रही है और कोई उसे लेने ना जाए। मेरी अब उम्र हो गई है, इन बुढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं रहा कि जाके बेटी को ला पाऊँ। तुम भाई हो, तुम्हारा फर्ज बनता है, बस अब रहने दो। हमेशा मुझे समझाने के लिए आ जाते हो, करती क्या छोटी हमारे लिए। नीलम को अपने ससुराल में मन क्यों नहीं लगता है, क्यों बार बार मुँह उठा के यहाँ चली आती है? आप जानते हैं करिश्मा की उसके साथ नहीं बनती है। मैंने कितनी बार नीलम से कहा है मैं अगर अम्मा अब्बा की याद सताती है तो अम्मा अब्बा को आके ले जाया करो, यहाँ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं आएगी वो यहाँ? वो मेरी बेटी है, जब तक मैं जिंदा हूँ वो यहाँ आएगी, ये उसका घर है। तुम्हें शर्म नहीं आती मैं तुम्हारी ये अपब्रिंगिंग की है? तुम्हें बहन का ख्याल रखना चाहिए, अकलौती बहन है तुम्हारी। बस अब्बा बस, तुम्हारे लेक्चर सुन के थक चुका हूँ। कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि नीलम के बच्चे कितने बदतमीज़ हैं और मेरे बच्चों के साथ हर वक्त लड़ाई करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। आती महारानी साहिबा किसी काम को हाथ नहीं लगाती, मेरी पत्नी उसकी नौकरनी है जो उसको गरम गरम खाने पर उसे। बस वो मेरा सारा मूड खराब कर दिया, पता नहीं इन्होंने अब्बा से बात की होगी या नहीं। इससे पहले कि नीलम आ जाए मुझे रुकवाना है उसको, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ आए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो आती हर जगह हुक्म चलाती है, मेरे बच्चों को मारती पीटती है, मुझे पसंद नहीं है। तो वैसे समर वेकेशन शुरू हो गई है कि तलम्बा रुक के जाएगी, ये सोच सोच के मेरा बीपी हाई हो रहा है। बहुत मैंने नीलम की सेवा कर ली, अब आएगी साफ साफ लफ्जों में कह दूंगी कि अपना खाना खुद देखे, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। आज नाश्ते में मैं आलू के पराठे लूंगी, बाप रात में बिरयानी बना दीजिएगा। वैसे मेरे पर कितनी सारी जिम्मेदारी ऊपर से आ जाती है, बहुत बन जाती है मुझ पे। इनके घर में चलती भी तो नहीं है, कितना समझाया था मैंने इनको, मैं जानती हूँ। चलिए तो अब्बा की होगी, आ गए, पूछती हूँ क्या कहा इन्होंने। अब्बा से बात की, अब तो नहीं आया नीलम। बस सुनते हैं मेरी, बहुत काम मैंने अब्बा से कह रहा है, मेरी बेटी है, मेरा घर है, आएगी, जरूर आएगी, कोई नहीं रोक सकता उसको यहाँ आने से। अब क्या करूँ मैं? जानती थी कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपने वही किया। अब मैं बता देती हूँ आपको, नीलम के आने के बाद मैं उसकी कोई खिदमत नहीं करूंगी, गरम गरम खाने नहीं बना के परोसी, मैं नौकर नहीं हूँ उसकी। तुमने ऐसा करना, कमरे से निकलना ही नहीं, ऐसा करना मैं तबीयत का बहाना बना लेना, बस जाना बच्चों का मेरा खाना बनाना और कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं आपकी अम्मा से कहूंगी मेरी तबीयत ठीक नहीं, वो मुझे छोड़ देंगी। अपनी अरियल अम्मा को जानते नहीं, इज्जत पे आती हूँ, खाना बनवा के ही रहती, क्या करूँ मैं। हाय मेरी लाडो रानी आ गई, मेरे जिगर को ठंडक मिल गई। क्या हुआ? मेरी लाडो रानी नाराज है, माँ को गले नहीं लगाएगी? दो माँ तुम, अगर तुम मुझे देख के इतना खुश होती तो भैया को भेजती मुझे लेने के लिए। आप जानती मैंने स्टेशन में 3 घंटे वेट किया है, फिर मुझे लग गया मुझे कोई लेने नहीं आने वाला, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। फिर मैंने खुद टैक्सी बुक करवाई, फिर मैं घर आई हूँ। पत्ती हुई धूप में मेरा बुरा हाल हो गया, माँ किसी को मुझसे प्यार ही नहीं है, 3 महीने बाद घर आ रही हूँ, देखो कोई भाभी मुझसे मिलने नहीं आई। यही जरूर गई माँ मेरे घर में, आप जानती इस वजह से उन्होंने मेरे बच्चों को नहीं भेजा। ये कहते तुम वहाँ जाती हो, तुम्हारी भाभी को बर्दाश्त नहीं होती, मेरे बच्चे मेरे पास छोड़ के जाओ। इतनी मुश्किल से दिल फटता रख के बच्चों को घर पे छोड़ के आई हूँ। मेरी बेटी दिल छोटा मत कर, हम खुद मजबूर हैं, बहुत का विवेक से, विवेक नहीं माना तो जानती है राज को, वो कैसा लापरवाह है, रात में आता है नहीं आता कुछ नहीं पता उसका। हम क्या करते, तू जानती है इनको गाड़ी चलाने नहीं आती, इन्होंने तो आखिरी वक्त तक कोशिश की विवेक तुझे लेने आ जाए, पर विवेक ने साफ मना कर दिया। मैंने तुझे बहुत फोन किया कि तुझे बता दूं कि तू इंतजार ना कर, टैक्सी पकड़े और आ जाए, तूने फोन ही नहीं उठाया। हमें रहने दो, इतनी टेंशन में फोन उठाती फिरूंगी। वहाँ से तेरी और अब्बा की मोहब्बत में यहाँ आती हूँ, मैं जानती हूँ मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई मुझे पसंद नहीं करता। पूरे 3 महीनों के बाद आ रही हूँ, कोई आओ भगत नहीं, कोई खुशी नहीं। हेलो भाभी कैसी हैं आप? भाभी कहाँ थी आप? मैं कितना माँ से आपको पूछ रही थी कि माँ भाभी नजर नहीं आ रही। मुझे तो लग रहा था जब मैं आऊंगी तो आप मेरे लिए भाई इंतजार कर रही होंगी, बुकेट आपके हाथ में होगा। क्या हुआ भाभी, आप मुझे देखकर खुश नहीं है? आपके नंद पूरे 3 महीनों के बाद आई है, भाभी मेरे लिए खाने में क्या बनाया है, आई एम वेरी हंग्री। तो भैया कहाँ है? मैं भैया से बहुत नाराज हूँ, भैया मुझे लेने स्टेशन क्यों नहीं आए? मैं जानती हूँ भैया को स्टेशन आने से आप ही ने रोका होगा, आप ही ने मेरे भैया की कान भरे होंगे, मेरे भाई बहुत अच्छे थे, मेरे बहुत ख्याल रखते थे। नीलम वैसे एक बात है, तुम्हारा अपने घर में मन नहीं लगता ना, छुट्टियाँ होती नहीं मुँह उठा के यहाँ चली आती हो।
और जबकि ये बात तुम अच्छे से जानते हो कि हमें तुम्हारा यहाँ ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फिर भी मुंह उठा के आ जाते, तुम्हारे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? भाभी ये मेरे बाप का घर है, जब मेरा मन करेगा मैं यहाँ आऊंगी, मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। और भाभी मैंने आपसे कहा है ना मुझे बहुत भूख लग रही है, ऐसा करें मेरे लिए जल्दी से पुलाव रेडी कर दीजिएगा और रायता बना दीजिएगा, रायता बनाने बहुत डंडी मारती है। भैया है कहाँ? भैया से कहें छोटी भैया उसके लिए बर्फी और जलेबी लेके, मेरा बहुत मन है मीठा खाने का। भाभी कब से खड़ी हुई आपके अंदर इटिकेट्स नहीं है? मुझे एक बार भी पानी का नहीं पूछा, कब से मुझे खड़ा किया? बंदा पूछ लेता था धूप से ही, ग्लास जूस ही पिला दीजिए। ओ हेलो नीलम, जरा जमीन पे आ जाओ, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, तुम यहाँ के ऑर्डर दोगे खाना प्लेस हो जाएगा, तुम्हें जो खाना है जाके खुद बना लो, मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ। बस वैसे बहुत काम है, बहुत जिम्मेदारी है, तुम्हारी इतना वेली नहीं हूँ कि मैं उठा के आ जाऊँ। इस बार तुम्हारा जो खाने का मन करे किचन में जाओ, किचन का रास्ता जानती हो मैं बता दूँ, आगे से जाओगे लेफ्ट मोड़ोगी, सारा सामान पड़ा है, जो खाना बना लो। क्या हुआ भाभी, आप मेरे पीछे पीछे किचन में क्यों आ गई? मुझे लग रहा है कि आपका मन हो गया, मुझे खुद आप बना के खिलाएंगे ना खाना मजे मजे का? गलतफहमी है आपकी, मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, उनके लिए खाना बनाऊंगी और चली जाऊंगी, अब मैं तुम्हें ज्यादा फ्री नहीं करूंगी, मैंने तुम्हें बहुत फ्री करके देख लिया, डिजर्व ही नहीं करती मेरी मोहब्बत, शादी के बाद से तुमने किया क्या है, मेरे उनके बीच में लड़ाइयाँ करवाई हैं, जब तुम आती थी मैं तुम्हारी कितने नाच नखरे उठाती थी, लेकिन मुझे पता चल गया तुम ये सब डिजर्व ही नहीं करती हो, तुम चाहती क्या हो हम दोनों में लड़ाइयाँ करवाना, और मैं तुम्हें इस मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। आज तो मेरे सामने भाभी की बड़ी तक तो चलिए, अभी अम्मा से जाके कहती हूँ कि अम्मा जरा बहू की जाके लगाम तो खींचो, ये मेरे बाप का घर है, कोई भी माइकल लाल मुझे यहाँ आने से रोक नहीं सकता, आज तो मैं भाभी कमरे में सोऊंगी, देखना भाभी को मजा चका के रहूंगी, अभी जाके अब्बा से बोलती हूँ कि अब्बा आपके घर में बहुत गर्मी है, मुझे एसी में सोना है, तो अब्बा तो फौरन राजी हो जाएंगे क्योंकि मैं अब्बा की लाड हूँ। क्या अम्मा कितने महीनों के बाद आई हूँ, आपने बेटी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया, कोई खाना नहीं पकवाया, मैं कितनी भूखी हूँ, ऊपर से भाभी से मैंने कहा तो कह रही है आज से अपना खाना तुम खुद बनाओगी, माँ ऐसा होता है बेटियों के साथ, जब बेटी मैके आती है वो कोई इज्जत नहीं दी जाती, कोई बेटियों से प्यार नहीं करता। अम्मा मेरे घर आके देखो कि नंदों की कैसे आओ भगत करते हैं, मैं अपनी नंद को अपनी हथेली का छाला बना के रखती हूँ, पब्लिक का कुछ भी खाने का मन करता है उसको बोलने से पहले बना देती हूँ, यहाँ देखो मेरा हाल, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। बेटा दिल छोटा मत कर, तू बता क्या खाएगी, मैं बना देती हूँ। नहीं माँ मुझे आपसे कुछ नहीं बनवाना, जानती तो है अपनी दोनों भाभी को कितनी खुश सर है, मेरी सुनती ही नहीं है, मैं क्या करूं बेटा? दोनों भाभी को तुमने ढील देके रखी, अगर मैं होती सही कर देती। अब्बा कहाँ चले गए थे आप, कब से आपका इंतजार करी थी, अब्बा तुम ही मुझे लेने आ जाते। नीलम बेटा मेरा तो बहुत मन था कि मैं तुझे स्टेशन लेने आऊं, पर मुझसे अकेला अब नहीं आया जाता, विवेक से कहा तो उसने मना कर दिया। मेरी बेटी नीलम सही कह रही है कि हमने इनको ढील देके रखी है, हम उनके घर में नहीं रहे, वो हमारे घर में रह रहे हैं, उनको हमारी बात माननी होगी जब तक हम जिंदा हैं, और नहीं तो क्या अब्बा, अम्मा सही कह रही है। बेटा तेरी माँ तो नादान है, पर तू तो समझदार है, मेरी बात को समझ, अब हम और के उस दौर को पहुँच गए कि लड़ाई झगड़ा हमसे नहीं होता, मैं चाहता हूँ हमारी जितनी बच्ची कुछ जिंदगी साथ खैर से गुजर जाए, अच्छे से दिन गुजर जाए बस। अब्बा तुम दोनों भाई हो कुछ नहीं कहते, इसलिए वो सर पे चढ़ के नाच रहे, अभी वक्त है संभल जाओ ना बहुत पछताओगे। सही कह रही है मेरी बेटी, क्या गलत किया उसने, उसको हमारा ख्याल है, वो हमसे प्यार करती, और नहीं तो क्या अब्बा, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। कहे तुम दोनों की, अब्बा एक और बात, भैया को जाके कह दो आज रात में भैया के रूम में सोऊंगी, यहाँ बहुत गर्मी है। बेटा ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं अभी जाके विवेक से बात कर लेता हूँ, विवेक बेटा अच्छा हो तू यहाँ मिल गया, तूने देखा नीलम आई है, मिला तो नीलम से। अब तू तो ऐसे बोला ऐसे कोई हूर परी आई हो, नीलम ही है, मिल लूंगा, खरी भी नजर आ रही है मुझे। विवेक बेटा तुझे क्या हो जाता है, कितने दिनों के बाद बहन आई है, प्यार से बात कर लेगा, क्या चला जाएगा। विवेक जाके करिश्मा को बोल दे कि कमरा खाली कर दे, आज तेरे कमरे में नीलम सोएगी, उसको बहुत गर्मी लग रही है। अब लगता है गर्मी तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है, कैसी बातें कर रहे हो, सटिया गए हो क्या, हम क्यों अपना कमरा छोड़ेंगे। विवेक मेरा घर है, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैंने कह दिया तो बस कह दिया। सुना आपने भैया, अब्बा ने क्या कहा, जाके करिश्मा भाभी को बोले रूम खाली करे, मुझे बहुत नींद आ रही, मुझे सोना है। नीलम मुझे समझ में नहीं आता तुम ये सब क्यों करती हो, हमारे घर कितना बड़ा है और कमरे नहीं है, कहीं भी सोचा तुम्हें मेरे ही कमरे में क्यों सोना है, तुम जानती हो ना करिश्मा को, वो हमारा कमरा नहीं छोड़ेगी, तो इसलिए प्लीज मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ, मैं अपना कमरा नहीं छोड़ सकता। भैया अब्बा ने जो आपसे कहा उसकी बात का पालन करो, जाके रूम खाली करवाओ। नीलम ये सब चीज देख के लगता है तुम बहुत इनसिक्योर है अपनी लाइफ से, तो अपनी लाइफ में खुशी नहीं हो, इसलिए यहाँ आके हमारी जिंदगी बर्बाद करती हो, क्या मिलता है तुम्हें ये सब कुछ करके। नीलम तुम इस बात को अच्छे से जानती हो कि अब्बा जो भी हुक्म देता है उसका हमें पालन करना पड़ता है, तुम्हें इन सब में खुशी मिलती हो ठीक है। अभी तक अपना अपना बोरिया बिस्तर नहीं उठाया, अब जानती है ना मुझे कितनी नींद आ रही है, चलिए जल्दी से कमरे से निकली, मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये मुझे ये सब कुछ करके बहुत मजा आ रहा है ना? हाँ मजा तो मुझे बहुत आ रहा है। यू नो ना आपने मुझे धमकी दी थी कि आप मुझे इस घर में आने से रोकेंगी, देखा मैंने आपको किस तरह अभी कमरे से निकाला, अब तो समझ गए नीलम चीज क्या है। आपके भले के लिए आपको समझाती हूँ कि मुझसे पंगे कम लिया करें, नीलम से पंगा इज नॉट चंगा। भाभी पक्को ना जाया कीजिए, कमरा खाली कीजिए, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है, मैं देर से सोती हूँ ना मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, आप जानती है ना मुझे अपना कितना ख्याल है। नीलम मुझसे ज्यादा अच्छा तुम्हें कौन जान सकता है, मैं जानती हूँ एक सेल्फिश औरत हूँ, तुम्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है, सिर्फ अपने आप से प्यार करती हो, तुम्हें आस पास के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नीलम मैं जानती हूँ कि तुम अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, इसलिए तुम अपने आस पास के लोगों को भी खुश नहीं देखना चाहती हो, कोई बात नहीं अगर तुम्हें इसमें खुशी मिलती है तो यही सही। भाभी आपकी गलतफहमी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बाप का घर है, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ आ सकती हूँ। भाभी मैं सोने जा रही हूँ, सुबह 11 बजे का मेरा नाश्ता रेडी रखिएगा, आप जानती ना उठते मुझे नाश्ता चाहिए, तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगती है, चलिए अब जाइए आप कमरे से, मुझे बहुत नींद आ रही है।
नीलम का बहुत हो गया है, पानी सर से गुजर गया है, मुझे कुछ ना कुछ का सोचना होगा। ये तो कुछ करेंगे ही नहीं, इनको तो बस चूजे बना के बिठा दो, अब बस बात ही नहीं कर पाते। अब मैं अब्बा से बात करूंगी अपने तरीके से, अब्बा को बुरा लगता है तो लगे। नीलम के यहाँ से मेरी लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो जाती, मुझे मेरे कमरे से निकाल दिया, भला ऐसा कौन करता है। पता ही नीलम की मुसीबत यहाँ से कब जाएगी, कभी जिंदगी में सुकून आएगा, एक के बाद एक परेशानी आती रहती है, अभी बला के बैठ गई मेरे सर पे। नीलम की बच्ची यहाँ की आ रही है, अब क्या काम पड़ गया इसको मुझसे, ये मुसीबत जाने का नाम ही नहीं लेती। क्या है भाभी, अभी तो मैं जा रही हूँ। अरे तुम जा रही हो? हाँ भाभी, इनकी कॉल आई है, इनको कोई अर्जेंट काम है मुझसे। लेकिन मत समझिएगा मैं फिर नहीं आऊंगी, जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं फिर आऊंगी। एक बार तो मैं दिल में पत्थर रख के अकेली आ गई थी, लेकिन अब सोचिए अब आऊंगी तो बच्चों को लेके आऊंगी। बच्चों का दिल चाहते हैं नानी नानी मामा मामी से मिलने का, मेरे बच्चे आपको कितना पसंद करते हैं, आपके बच्चों कितना खुश रहते हैं। आपको अभी से बता देती हूँ, अब मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा, मैं आप ही कमरे में रहूंगी, कमरा खाली कर दीजिएगा। नीलम तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें अम्मा अब्बा कितनी याद आती तो अम्मा अब्बा को अपने घर ले जाओ। तुम अपने बदतमीज बच्चों को तो यहाँ लाने का सोचना भी नहीं, पिछली बार तो मैं सिर्फ डांटा था, इस बार मुझे गुस्सा आया तो मारपीट भी दूंगी। तुम जानती हो तुम्हारे बच्चे कितने बदतमीज है, बहुत सारे, लेकिन अब नहीं, थोड़ा तवज्जो ना अपने बच्चों पे भी दे दो, थोड़ा टाइम ना अपने बच्चों के लिए भी निकाल लो। चले भाभी अब मैं चलती हूँ, पर ये बात रखिएगा मैं फिर लौट के आऊंगी। मेरे यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं था, सोचा था थोड़ी दिन यहाँ रुकूंगी आपसे सेवा करवाऊंगी, पर इनकी कॉल आ गई ना। चले कोई बात नहीं, मैं फिर से आऊंगी। मेरे जाने के बाद मुझे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, मैं जानती हूँ क्या मुझे कितना मिस करती है, मुझे याद करके कि रातों में रोती है। अरे भाभी इतनी मोहब्बत कोई करता है भला अपनी मन से? अच्छा मैं तुम्हारी का तुम्हें मिस करूँ, मिस करें मेरी जूती। चलो अब जल्दी बनो, अब कोशिश करना कि यहाँ तुम्हारा फिर से चक्कर ना लगे। अभी प्लीज अम्मा अब्बा का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत शिकायतें सुनने को मिल रही हैं आपकी। मैं तुम्हारे अम्मा अब्बा का जितना कर सकती हूँ ना करती हूँ, पर तुम यहाँ की फिक्र छोड़ो, अपने घर को संभालो, अपने बच्चों पे तवज्जो दो। कितने बदतमीज है तुम्हारे बच्चे, बस भाभी बस, आइंदा मेरे बच्चे के बारे में कुछ मत बोलिएगा, मेरे बच्चे मेरे जिगर का टुकड़े हैं। बच्चों की खेलने कूदने की उम्र होती है, इस उम्र में सब बच्चे नॉटी होते हैं, आपको तो हमेशा मेरे बच्चों से प्रॉब्लम रही है, पता नहीं कैसी हैं आप जानती हैं मेरे बच्चे यहाँ आते हैं मामी करते करते थकते भी नहीं है, और आप क्या करती है मेरे बच्चों कमरे में आने नहीं देती, कमरे में उसे रोक देती है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे आपकी चीज़ें तोड़ देंगे। भाभी मेरे बच्चे गिरे पड़े नहीं, बस रहने दो, मैं जानती हूँ कि तुम कैसे माहौल से आती हो, तुम यहाँ के जो ऐशे करती हो इससे उस पर करती हो कि अब्बा अम्मा जिंदा है या अम्मा अब्बा इतने से चल जाएंगे, मैं बता देती हूँ, जिस तरह तुम्हारे नीचे कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं। कितने महीनों के बाद अम्मा अब्बा के पास आई थी, इनकी कॉल आ गई, घर आओ, मेरे पापा तो रहते ही नहीं है, अपने मानते भी नहीं है, नौकर बना के रख दिया। मेरी किस्मत फूटी थी जो मैंने इनके साथ शादी कर ली, अब अम्मा मेरे कितने अच्छे अच्छे रिश्ते लाए थे, पर मैं इनके प्यारे पागल होती जा रही थी, कह दिया था इनसे ही शादी करूंगी, मैं किए की सजा भुगत रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे जेल में कैद हूँ। बिल्कुल भी घर जाने का मन नहीं है, फिर से जाना पड़ेगा उस कच्ची आबादी में, गुजारनी पड़ेगी गरीबों वाली जिंदगी। एक मेरा अब्बा का घर है महल जैसा, और एक मेरा घर है दरबे जैसा, दम घुटता है मेरा उस घर में। शादी से पहले मुझे कितने सपने दिखाया करते थे, सारे के सारे झूठे, इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया फ्रॉड। शादी से पहले कितनी लंबी लंबी छोरियां छोड़ा करते थे, मेरा लंदन में घर है, अमेरिका में घर है, और कहां मुझे लाके फेंक दिया, नौकरानी बन के रह गई हूँ, बस काम काम काम। एक ही दिन अम्मा के पास गई थी, बुला लिया कॉल करके, नहीं आती तो गुस्सा करते धमकियां देते, सिर्फ बच्चों की वजह से इनको बर्दाश्त कर रही हूँ, उन्हें कब का छोड़ चुकी होती, चली जाती माँ के पास। तो तुम्हारा मोबाइल कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, कब से तुम्हें कॉल कर रहा था ना मैं, इतनी बार मैंने तुमसे कहा कि एक ही बेल पे मेरा फोन उठा लिया करो, लेकिन तुम्हारी मोटी बुद्धि में कोई घुसता ही नहीं है। खाना क्यों नहीं बनाया तुमने, क्या खाऊंगा मैं? ट्रेन का टाइम हो गया था, अगर मैं खाने में लगता तो मेरी ट्रेन मिस हो जाती, आप बाहर से कुछ मंगवा के खा लेते। इतनी बार मैं तुमसे कह चुका हूँ कि जब मैं बात करता हूँ ना मुंह मत चलाया करो, एक दिन तुम्हारी जबान कैसी कितना चक चक चलती है ना, वो काट के फेंक दूंगा। आप मेरे साथ ऐसा करते हैं, मेरा कसूर क्या है, क्या कमी है मुझ में? शादी से पहले आपने मुझे सारे झूठ बोले, एक भी सच नहीं बोला, और कहा लगे मुझे दरबे में कैद कर दिया। मेरी इंसानियत है जो आपके साथ ऐसी जिंदगी गुजार रही हूँ, कब का आपको छोड़ के जा चुकी होती, क्यों करते हैं मेरे साथ ऐसा, क्या मिलता है आपको ये सब कुछ करके? बहुत भूल लिया तुमने, बस अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, और मैं तुम्हें बता देता हूँ आज के बाद तुम कभी अपने अम्मा अब्बा से नहीं मिलोगी, ना उनके घर जाओगे और ना ही फोन पे बात करोगी। ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे माँ बाप है, मैं उनको नहीं छोड़ सकती। अगर तुम अपने माँ बाप इतने अजीज है ना, चली जाओ अपने माँ बाप के पास, आइंदा मुझे मुंह मत दिखाना, दफा हो जाए यहाँ से, मुझे कोई लड़कियों की कमी नहीं है, एक ढूंढूंगा हजार लड़कियां मिलेंगी। तुम पे रहम करके तुम्हें यहाँ रखा हुआ था, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं हो कि यहाँ रह सको। अच्छा मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, प्लीज मुझे घर से मत निकालिए, आप जानते हैं कि मैं आपके बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, कहाँ है मेरे बच्चे, नजर क्यों नहीं आ रहे? गईना अपनी औकात पे, इसलिए बोलता हूँ जबान बंद रखा करो मेरे सामने। आज के बाद मुझे कभी छोड़ने की बात मत कीजिएगा, मैं कहाँ जाऊंगी, आप जानते हैं कि मेरे भाई भाभी भी मुझे पसंद नहीं करते, अगर आपने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी, मेरे पास कोई भी ठिकाना नहीं है, प्लीज मुझे मत छोड़िएगा। ऐसा आप बोलेंगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी, आपके सामने दबान नहीं चलाऊंगी, क्या खाएंगे आप बताएं, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। मेरे लिए पहले खाने का इंतजाम करो, और फिर रात में मेरे फ्रेंड्स आएंगे, अच्छा सा डिनर बना लेना, मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करवाएं ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मेरे फ्रेंड्स का मेरी इंसल्ट हुई ना तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, समझ में आ रही है ना तुम्हारे? नहीं कद्दू जैसा मुंह ठीक करो और अच्छे से तैयार हो जाना, इंसल्ट ही करवाना मेरी, क्या मूर्ति बन के यहाँ करीबी हो, जाओ यहाँ से, जाके काम में लगो, टाइम नहीं है ज्यादा, डिनर का टाइम हो जाएगा, मेरे फ्रेंड्स के आने का टाइम हो जाएगा।
जरा काम से जा रहा हूँ, जब मैं आऊँ तो मुझे खाना रेडी चाहिए, और तुम भी, और घर भी बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। अगर तुमने कोई भी गलती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ जाके किचन में खाना बनाओ। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।